हाँ कसम है चांद की और रात की जब रुखसत होने लगे और सुबह की जब रोशन हो जाए कि वो आग एक बहुत बड़ी आफत है इंसान के लिए डर की चीज यानी उस शख्स के लिए जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे। हर शख्स अपने करतूतों के बायस गिरफ्तार होगा मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से कि तुम दोजख में क्यों पड़े। वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे और रोजे जजा को झुटलाते थे यहां तक कि हमें मौत आ गई। तो सिफारिश करने वालों की सिफारिश इनके हक में कुछ फायदा न देगी। इनको क्या हुआ है कि नसीहत से रूगर्दा हो रहे हैं, गोया गधे हैं कि बिदक जाते हैं जो शेर से डर कर भाग जाते हैं। असल यह है कि इनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हकीकत यह है कि इनको आखिरत का खौफ ही नहीं, कुछ शक नहीं कि यह कुरान नसीहत है। तो जो चाहे इसे याद रखे और याद भी तभी रखेंगे जब अल्लाह चाहे। वही इस लायक है कि उससे डरा जाए और वही मुआफ कर।